हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चर्चाओं का दौर भी जारी है, डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं पैनल के साथ, लेकिन बड़ी खबरों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की वो आपको बता रहे हैं और आप देख भी पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 90 की 90 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 54 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम छत्तीसगढ़ के अंदर लहरा दिया है। 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। ये छत्तीसगढ़ का हाल, जहां पर 90 की 90 सीटों का रिजल्ट अब अनाउंस हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में सभी सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। 90 सीटें सबसे आगे आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने रखा है। 8:03 पर हमने पहला रुझान बताया था और उसके बाद टैली पलकों की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से बदली है, वो भी आपने देखा। और अब छत्तीसगढ़ में खाता क्लोज, सभी 90 सीटों के नतीजे घोषित हो गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 35 पर कांग्रेस सिमट गई, एक अन्य के खाते में गई है और तकरीबन 9 से 10 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। डेप्यूटी सीएम समेत 9 मंत्री हार गए। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव हार गए। मोहम्मद अकबर, पिछले बार रिकॉर्ड बनाया था जीत का, वो हार गए हैं। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हार गए हैं। और गिनाइए, रविंद्र चौबे ईश्वर साहू से हार गए हैं, बिरनपुर हिंसा के पीड़ित के पिता। 35 पर सिमट गई है कांग्रेस। डेप्यूटी सीएम समेत 9 मंत्री हारे हैं। किसी से भी फोन लगा के पूछो भैया हारा कौन है, कह रहा है जीते 3 है, वो पूछ लो। और टीएस सिंहदेव जो कल तक ये कह रहे थे कि राजनीति में आए हैं तो मुख्यमंत्री बनने की हसरत तो थी ही, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और ये कहा जा रहा था कि सरगुजा में उनको सीएम ना बनाने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ गया है, वो अंबिकापुर से हार गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो बही खाता है वो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बंद हो गया है, यानी कि 90 की 90 सीटों का परिणाम सामने आ चुका है। और किस तरह से कौन कौन हारा है, किससे हारा है, वो ललित ने आपको बताया। और जिस तरीके से ये हार हुई है उसकी कल्पना तो खुद किसी ने नहीं की थी, सियासत के पंडितों ने नहीं की थी, और इस जीत की कल्पना तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर रहे होंगे। तो लगातार हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी एडिटर अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सूर्या मैथिल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पहले उनके पास लिए चलें। 24 का क्या इशारा मिलता है, पिछले बार तो फिर भी 2 सांसद मिल गए थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। जी सूर्या जी। ललित जी, सुपड़ा साफ, फिनिश। अंडा पार्टी को संसद में एक भी सांसद ना तो छत्तीसगढ़ भेजने वाला है, ना राजस्थान, ना मध्य प्रदेश जी। और आप इस बात को आज लिख लीजिए कि छिंदवाड़ा पे भी कमल का फूल खिलेगा और नाथ जितने भी हैं ना, ये सब साफ होने वाले हैं इस बार, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने भी बता दिया। चाहे कमलनाथ जी जीत गए, लेकिन कई बार वो पीछे भी हुए। आपने खुद अपने चैनल पे बताया कि कमलनाथ जी पीछे चल रहे हैं। जी जी, तो ये असलियत है। सूर्या साहब, 1-2 सीट तो बराए मेहरबानी। ना 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 ना, वो मुझे एक भी सीट नहीं। एक दो सीट और मैं आपको बताऊं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सनातन को गाली देना, सनातन को खत्म करने की मंशा रखने वालों के साथ खड़े होना, सनातन को डेंगू मलेरिया और HIV जैसी बीमारियों से तुलना करना, बोको हराम से तुलना करने वाले लोगों पर इस बार ऐसा देश की जनता प्रहार करेगी कि ये जो 40 सांसद है ना, ये इनोवा सांसद बन जाएंगे। एक इनोवा में जितने सांसद आते हैं उतने सांसद जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, इनोवा का खर्चा आपकी तरफ। चलिए, मैं अब सीधे चर्चा को ट्रांसफर कर रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया ललित। तो छत्तीसगढ़ में आज तय हो चुका है कि किसकी सरकार बन रही है। जो कवायद चल रही थी लंबे समय से, वो कवायद यहां पर जाकर अब थम चुकी है। एक कमेंट के लिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। उन्हीं से जानते हैं, खास पैनल जो हमारे साथ है जी। एक कमेंट के लिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। चर्चा के दौरान अपर्णा ने आपसे पूछा था कि स्थितियां क्या रहने वाली हैं। आपने कहा था मंत्रियों की सीट तो फंसी है। अब मैं चाहता हूं आप चर्चा ट्रांसफर करें प्लीज।
बिल्कुल, मंत्रियों की स्थिति फंसी थी और ये जो फंसी हुई नजर आ रही थी, क्यों नजर आ रही थी, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, ये संकेत लोग समझ नहीं पा रहे थे यहाँ पर कि मंत्रियों की अगर स्थिति खराब है, जो सरकार के चेहरे होते हैं और वो मंत्रियों की स्थिति अगर क्लियर नहीं है, दिग्गज मंत्रियों की स्थिति क्लियर नहीं है, तो मतलब साफ था कि सरकार जा रही है, मैंडेट उनके खिलाफ यहां पर है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ उमेश जी हैं, भाजपा से बहुत स्वागत करता हूं आपका। अविरल जी हमारे साथ जोगी कांग्रेस से हैं, सुजीत जी हमारे साथ कांग्रेस से, और हमारे साथ आपके भी सहयोगी हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से सरकार यहां पर बनती बिगड़ती दिखी। सबसे पहले उमेश जी, 54 सीट, वजह बताइए। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की महान जनता का मैं साधुवाद करना चाहूंगा, उन्हें नमन करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की जनता के सामने हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नतमस्तक हैं, और साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 वर्षों के बाद एक विराम दिया और विराम के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास दिखाया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता की हर एक अपेक्षा, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हमको चुना है, उन सारी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरेंगे। जिस प्रकार से ये परिणाम निकल करके आए हैं, जनता ने दिखा दिया कि अहंकार नहीं टिकता है, और जिस प्रकार के हालात बने थे, जिस प्रकार का अहंकार और घमंड बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और महसूस किया, जिस प्रकार के हालात बने, जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ बढ़ा, माताओं बहनों की स्थिति बनी, तमाम तरह के भ्रष्टाचार निकल करके आए, कोयला से लेकर के रेत माफिया से लेकर के भू माफिया, ये उन तमाम माफियाओं की हार है, ये उस भ्रष्टाचार की हार है, ये उस असत्य की हार है, और जनता ने सत्य की विजय यहां पर की है। और आने वाले समय के अंदर में चूंकि जनता ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदारी दी है, उन जिम्मेदारियों का बेहतर हम निर्वहन कर सकें, ऐसी शक्ति भी इस छत्तीसगढ़ की जनता हमको देगी। बिल्कुल सुजीत जी, ऐसी जीत तो भाजपा को 15 साल भी नहीं मिली थी, जो इस 5 साल के आप लोगों के कार्यकाल के बाद मिल गई। क्या ऐसा आप लोगों ने किया कि भाजपा 54 तक पहुंच गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा की सरकार बनने पर उनको बधाई देता हूं, और जिस स्थिति में अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है छत्तीसगढ़ में, ये अनुमान से बाहर था। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और जनता ने जनाधार दिया है, और जनता के जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं, और स्वीकार के साथ आपको बधाई देते हैं। आपको सरकार चलाने के लिए 5 साल अवसर दिए जनता ने, हमें 5 साल जनता ने अवसर दिए थे, हमने भरसक प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ में जनता की हर एक मुद्दा और हर एक वर्ग को साथ कर उनको उनका विकास करें। हमारी कहीं चूक हुई होगी, जिसका परिणाम आज हमें जनता ने दिए हैं, इसका विश्लेषण करेंगे उसके बाद। आप लोग 75 पार का नारा दे रहे थे, क्या कोई एक दो वजह गिनाना चाहेंगे जो आपको फौरी तौर पर समझ में आ रही है? देखिए, जिस स्तर से हमने काम किए थे, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे वो शहरी अंचल हो, उस हिसाब से हमें लगातार जीत भी मिली, और हमने जनता के बीच में काम किए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे हमने चुनाव भी लड़े, और एक बड़ा जनाधार हमको मिल रहा था, अचानक ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ, वो किसी के समझ से परे हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी कहीं चूक हुई होगी निश्चित तौर पे। क्या परिवर्तन हुआ और परिवर्तन की वजह क्या थी, हम बाकी साथियों से ये पूछते हैं। अविरल जी, आपको क्या लगता है, ये फिगर जो आया है, क्या वजह इसके पीछे? अभिषेक जी, इसमें पहले तो एक बहुत बड़ा यज्ञ था ये जो आज आहूत हुआ है, उसमें जो भी इस मंथन में जो भी निकल के आया है उससे परिणाम स्वरूप हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए इस बात को समझना कि 5 साल किसी भी प्रकार की पक्ष में बैठ विपक्ष में बैठ जो हम लोग करते हैं उसी का एक निष्कर्ष एक परिणाम हम लोग को आज देखने को मिला है। बहरहाल, हमारी अपेक्षा बहुत इससे जो आज की हमारी तात्कालिक स्थिति है उससे बहुत अलग थी। बहरहाल, इसका विश्लेषण होगा और हम लोग करेंगे बिल्कुल कि कहाँ क्या कमी रह गई, कि जो हमारे नेता अमित जोगी जी को और हम लोगों को अपने अपने स्तर पर
विभिन्न जगहों पर जो जनसमर्थन मिल रहा था वो परिणाम में या वोटों में उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाया। पर इसके साथ साथ एक बात और अभिषेक जी हम लोगों को समझ में आती है, ये प्रथम दृष्टया प्राइवेसी हम लोग देखते हैं तो समझ में आती है, वो ये है कि जैसा कि अजीत जोगी जी ने कहा था तखत आपका राजनगांव से हम लोगों ने उस समय लास्ट 2018 चुनाव में घोषित कर तत्कालिक सरकार के विरोध में, जो कि उस समय पे एक भ्रष्टाचार और मठाधीशों की सरकार हो गई थी, उसके विपक्ष में हम लोग खड़े हुए और वहां पर परिवर्तन लेके आए थे और काफी हमारा योगदान, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों का एक माहौल बना, वही प्रक्रिया और वही भाव इस समय भी इस चुनाव के रिजल्ट में हम लोग को दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार आपको समझ? हाँ, भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है और खासकर कांग्रेस की जो स्थिति हार की हुई है उसमें सबसे बड़ा कारण ये था, या जो परिवर्तन मिला है इससे आंशिक रूप से हम लोग खुश हैं, बट जो है कि हमारी निज हार हुई है उसका एक अपना दुख है। पर जो हुआ है उसका बड़ा कारण था जो शराबबंदी का एक मसला रहा, जो शराबबंदी महिलाओं के साथ रहा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात रही और बहुत सारी चीजें, और एक छोटा सा बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हर जगह पे वो एक सूत्री कार्यक्रम चलाना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा और पब्लिक में कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर थी, हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्या एक सूत्री कार्यक्रम? एक सूत्री कार्यक्रम मतलब जो उनके साथ है वो साथ है, जो उनके साथ नहीं है वो, और कहीं ना कहीं ये दिखता है ना, ये एक सूत्री कार्यक्रम जो है उनके साथ। ठीक, सूरज जी से भी एक कमेंट लेता हूँ। सूरज जी, आपका आपकी क्या समीक्षा है यहाँ पर, अगर ये फिगर बीजेपी को मिला है तो क्या वजह है इसके पीछे? पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो उसकी दो वजह थी, एक था शराबबंदी और दूसरा था किसान। शराबबंदी पे भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से यूटर्न लिया तो इस प्रदेश की आधी आबादी के साथ उन्होंने छल किया। ठीक, ये बोल के कि हम समिति बनाए हैं, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है, तो ऐसा आप हर वादे के साथ करेंगे? तो शराबबंदी की बात में या तो लिख देना था कि हम 5 साल तक इसका सर्वे कराएंगे, उसके बाद शराबबंदी करेंगे। उससे बड़ा एक कारण और मैं बताना चाहूंगा, यहां के युवाओं के साथ जो छल किए 5 साल लगातार, पीएससी घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भर्ती 5 साल में पूर्ण नहीं करा पाए, तो दो जो सबसे बड़े आप भ्रष्टाचार को एक बड़ी वजह मान रहे हैं? भ्रष्टाचार तो मतलब चरम पे था, लेकिन भ्रष्टाचार पूरे देश में है, जनता को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भ्रष्टाचार से, लेकिन जो युवा अपनी नौकरी की तलाश के लिए 5 साल भटकता रहा और एज बार हो गया, जो महिलाओं को लगता था कि अब उनके घर के जो शराब पीने वाले लोग हैं शराब से दूर होंगे और मूल धारा में वापस आएंगे, इन दो के साथ जो छल किए, और ये ऐसा वोट बैंक है जो बिल्कुल शिफ्ट नहीं होता। ऐड करना चाहूंगा, अभी आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता ने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया कि जनता को भ्रष्टाचार से फर्क नहीं पड़ता, शायद इसीलिए दिल्ली में लगातार भ्रष्टाचार के मामले निकल। ठीक, हम दिल्ली पे चर्चा उमेश जी फिर करेंगे, मैं सूर्य जी हमारे साथ दिल्ली में है, मैं उनसे ही एक टिप्पणी ले लेता हूं यहाँ पे। सूर्य जी, आपको क्या समझ आ रहा है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये परिवर्तन आया है, परिवर्तन की वजह अगर मैं पूछूं तो 2-3 पॉइंट्स क्या आपकी समझ में आ रहा है? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदिवासियों से सीधा संवाद, और समीर उरांव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदिवासी मोर्चे के, और मैं आपको बता दूं कि वो लगातार कैंप कर रहे थे, जो कि आपका ये जो आदिवासी बेल्ट है छत्तीसगढ़ की उसमें, और उसका आप रिजल्ट देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी जनजातीय गौरव भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर उसको शुरू किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों को सम्मान दिलाया, ये एक मैसेज पहुंच गया आदिवासियों में कि भैया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा के कारण हम पिछली बार फंस गए थे, इस बार हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे। दूसरी चीज, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें गिनाई, उसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहता हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा एक प्रपंच रचा गया किसानों के बीच में कि धान का कटोरा हमने छत्तीसगढ़ को बना दिया, लेकिन हम उसके सूत्रधार हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात का मैसेज जमीन तक देने के लिए बिल्कुल सफल हुई कि भैया जो दाल परोस रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसमें केवल तड़का वो लगा रहे हैं 33,000 करोड़ का, बाकी 30,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार भेज रही है धान खरीदने के लिए,
और लगातार भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा है ही है। 40 लाख रुपए एक एक गैया पे इन्होंने खर्च किया और बार बार सरकार कहते भी रहे कि किसानों को लेकर बहुत काम यहाँ पर किया गया और किसानों की सरकार है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर वो किसानों की सरकार थी फिर आप लोगों को ये वोट जो मिले कहां से मिले? मैं वही तो कहना चाहता हूं ना, वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसानों ने, छत्तीसगढ़ के किसान बड़े प्रबुद्ध हैं और प्रबुद्ध हैं इसीलिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता रहा है और आगे भी कहलाता रहेगा। और वो समझ गए कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। और किस प्रकार से नए रायपुर के अंदर में किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ बेरहमी की गई, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसान के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस का दिल 750 किसानों की शहादत पे भी कुछ बोल दो। अरे सुन लीजिए, 750 किसानों के शहादत पे भी कुछ बोल दो, वो तीन काले कानून पे भी कुछ बोल दो। समस्या भारतीय जनता पार्टी की देन भी आप उसी को समझिए। नकार दिया आपको, आप सुनने का साहस रखिए और जनादेश स्वीकारिए और आत्मचिंतन आत्मंथन करिए कि क्यों छत्तीसगढ़ के किसानों ने आपको नकार दिया है। और वो किसान ये भी याद रखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के किसान के लिए 50 लाख का मुआवजा निकलता है और छत्तीसगढ़ के किसान यहां मुआवजे के लिए तरसते हैं। और लगातार खाद बीज का विषय हो, बारदाने का विषय हो, रकबा कटौती का विषय हो या किसानों की आत्महत्या का विषय हो, 750 से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या करने वाले किसानों को मानसिक रोगी तक कहने से बाज नहीं आने वाली सरकार के ऊपर छत्तीसगढ़ के किसान कैसे भरोसा करेंगे, ये छत्तीसगढ़ के किसानों ने मतदान में बता दिया है। और आज जो परिणाम निकल करके आया है, जो लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कांग्रेस ने न्याय किया, माफी आप लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था, उसके बाद भी क्या वजह थी कि किसानों ने आपको नहीं दिया? आप लोगों का कहना था किसानों की सरकार है और किसानों के लिए काफी कुछ करने का दावा था, कर्ज माफी भी घोषणा पत्र में था, एक तरफा चला ये बात भी कही गई, फिर क्या वजह कि किसानों का ही भरोसा नहीं मिल पाया? देखिए, छत्तीसगढ़ के किसानों ने छत्तीसगढ़ की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया और उन्हें धन्यवाद देता हूं आपके चैनल से जिन्होंने हमें समर्थन किए। हमने भरसक प्रयास किया कि किसानों को उनके हित का अधिकार, उनके अधिकार हम दे सके। कहीं हमारी चूक रही होगी जिसका विश्लेषण करेंगे। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, ये नहीं, जो मुद्दे हैं इन पर वोटिंग हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में और सातों सीटें आप लोगों ने गंवा दी है निश्चित तौर पर। आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का नहीं, अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो आप बताएं। मैं कह रहा हूं उसी में आरोप लगाए, सिद्ध हो नहीं पाया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जनाधार जो बघेल जी को तो किसान पुत्र कहकर के प्रोजेक्ट किया था आपने, क्या फेल हो गए किसान पुत्र? किसान पुत्र ने अपना भरसक प्रयास करके किसानों को कर्जा माफ किए थे 2018 में और वर्तमान 2023 में भरोसा किसानों क्यों कर्जदार बना दिए, फिर कर्जा लेने की नौबत आ गई। समृद्ध कब बनाओगे किसान को? किसान छत्तीसगढ़ में समृद्ध हुए हैं और भाजपा करेगी, जिन्होंने समृद्ध बनाया, भाजपा को जनादेश दिया किसानों ने। अविरल जी, आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई जो मुद्दे की बात आ रही है कि शहर की भी कई सारी सीटें, जैसे रायपुर की हम बात करें, सातों सीटें कांग्रेस ने गंवा दी, सरगुजा में पूरी सीटें कांग्रेस ने गंवा दी, बस्तर में आधे से ज्यादा सीटें गंवा दी, ये क्या समझ में आने वाली चीजें नहीं है? अंडर करंट जैसी कुछ आपको लग रही थी चीज? अभिषेक जी, स्पष्ट कारण है इसका। प्रदेश का युवा नग्न प्रदर्शन करता है, आप उनको पागल, कहीं ना कहीं अराजक कहकर संबोधित करते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री संबोधित करते हैं या सरकार में बैठे लोग संबोधित करते हैं। पीएससी घोटाला होता है, पीएससी घोटाले के अंतर्गत आप समझिए कि एक बच्चा एक परिवार का 2-5 साल तैयारी करने पे एक शासकीय परीक्षा के लिए एलिजिबल अपने आप को तैयार कर पाता है, उस परीक्षा को देता है, उस प्रक्रिया के जो भी वो प्रक्रिया जब चल रही होती है उसमें वो पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा होता है। वो जब इस तरीके का भ्रष्टाचार आता है तो पूरा परिवार कुंठित होता है, पीड़ा में होता है, रोता है, बिलखता है। और वो शहरों में भी बसता है, वो गांवों में भी बसता है, और वो किसान भी हो सकता है, किसान का बच्चा के तैयारी नहीं करता है, वो आप 2-2500 जो भी है उससे बिक नहीं जाएगा। और आत्मसम्मान, और जो ये कह दे कि हमने दिया, किसी ने किसी को नहीं दिया, किसी ने किसी को खैरात नहीं दी है, पहली बात। इन सारी चीजों के साथ एक बात और, शायद मौका मिले ना मिले, अभी सरकार में आए हैं, बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी को, बट
छोटी छोटी बातें हैं जो उनकी गलतियां थी, आपके साथ मांग होगी, है ना, एक मंच है, इस मंच से मांगने का हम लोग का अधिकार है भाई, जनता है, और इस समय तो हम लोग तो विधानसभा में भी नहीं रहेंगे। एक छोटा सा निवेदन है ना कि क्या ये जो इरेगुलर कर्मचारी है उनको भाजपा कन्फर्म करेगी, बिल्कुल, जो इनकी गलती थी है ना, जो भ्रष्टाचार की परेशानी थी, क्या आप सुधारेंगे? उमेश जी से बिल्कुल पूछिएगा, बहुत सूरज जी से भी एक सवाल, पीएससी पे क्या, सूरज जी से भी लेता हूँ, सूरज जी क्या पीएससी पे आपको क्या लग रहा है, हार के जो कारण यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, क्या किसानों ने भरोसा नहीं दिया या शहर के युवाओं ने, महिलाओं ने पलट दिया सब कुछ? देखिए बहुत सारे कारण है, जैसे पहला कारण महिलाओं का गिनाया, दूसरा युवाओं का गिनाया, तीसरा इनके दिमाग में क्या था, किसान हमको वोट दे देगा उससे हम जीत जाएंगे। लेकिन इस प्रदेश के 23 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शासन के समस्त विभाग एक साथ आंदोलन थे। स्वास्थ्य विभाग जैसे कर्मचारियों पे एस्मा लगा के 4500 कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर देते हैं, तो एक एक मुद्दे पे फेल नहीं हुई कांग्रेस, हर एक मुद्दे पे फेल हुए, और सिर्फ अहम में, और अपने तानाशाही रवैये के कारण कि हम सिर्फ किसान को साथ देंगे, गाय गोबर करेंगे, गौठान करेंगे, उससे जीत जाएंगे, गौठान के नाम पे वर्मी कंपोस्ट जिसमें 90% का कट पत्थर होता है वो दिए, तो बहुत सारे कारण रहे। उमेश जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए दो सवाल निकल कर क्या है जनता कांग्रेस की तरफ से, एक जनता होने के नाते, एक पहला तो पीएससी का विषय, निश्चित तौर पे पीएससी के विषय में जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में बने वो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए काले इतिहास के तौर पर याद किए जाएंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, चूंकि हम सरकार में भी आ चुके हैं, हमने कमिटमेंट किया था, मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो हमने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही इसमें आयोग बना करके सीएम हाउस के मार्गदर्शन में इसकी जांच करेंगे, और इस पीएससी के गड़बड़ घोटाले में जो लोग, तो चलिए जो आप लोगों ने कहा है पीछे वो करेंगे। ये बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और धन्यवाद, इस पे बड़ी गंभीरता से भी काम करना होगा, क्योंकि जो कहा वो किया वो पिछली सरकार ने भी कहा था, और इस बार बहुत सारी उम्मीदों के साथ जनता ने ये मैंडेट आप लोगों को दिया है। मैं दिल्ली में सूर्या जी थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि चर्चा और विश्लेषण और मंथन या पोस्टमार्टम बड़ा लंबा चौड़ा भी होना है, और कई दिन तक ये चीज़ें सामने आते रहेंगी, हार का कारण क्या रहा, 75 पार का नारा देते देते क्यों 35 में कांग्रेस सिमट गई। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। लगातार कवरेज जारी है, जब तक कि आखिरी नतीजा नहीं आ जाता। सबसे पहले 8:03 पर हमने पहला रुझान दिखाया और सबसे पहले ही पहला रिजल्ट दिखाया। 10 बड़ी बातें।